ये सुखदेव तेरा चैनल है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने नल का गुटका कैसे बदलना। तो हम जो ये पहले स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये इसका ऊपर का जो है कैप खोलेंगे नल की, और अब जो है ये पानी निकलेगा इससे। तो अब देखते हैं, ये ऊपर से हमने गुटका हटाया, ये वाली चीज जो है हम इसको बदलेंगे। तो नल को ठीक करने के लिए क्या होता है, या तो आप वाशर बदलते हैं या एक पूरा बनाया हुआ गुटका। अगर गुटका बदलने से भी आपका नल ठीक ना हो तो इसका मतलब आपका ये नल ही खराब है, फिर आपको पूरा नल बदलना पड़ता है। तो आज हम जो है 3 नंबर का गुटका इसमें लगेगा। तो बाजार में 2 नंबर, 1 नंबर का भी गुटका आता है क्या? एक का रहता है। और 4 नंबर का भी आता है? 4 का 5 का। अच्छा, तो ये हमारा जो नल है 3 नंबर का, इसमें गुटका लगता है? इसमें 2 का। इसमें 2 का नंबर लगेगा? इसमें 2 का लगेगा। तो ये देखिए कैसे लगाना होता है। तो ये हम देखते हैं, ऊपर से टंकी का पानी बंद नहीं किया तो पानी भी निकल सकता है। नहीं, थोड़ा ज्यादा निकलेगा। तो ये फ्री हो रहा था, यानी कि बार बार चूड़ियां खराब हो गई थी, तो बंद होने के बाद बार आग निकल लग जाता था। तो अब जो हम बिना पानी बंद किए जो है उसका गुटका को देखते हैं, और ये बहुत ही आसानी से इन्होंने लगा दिया नया गुटका। और अब जो है ये जो प्लम्बर का होता है, ये क्या कहते हैं इसको? स्लाइडिंग रेंज से इसको टाइट करेंगे, स्लाइडिंग से टाइट करें, और ये हमारा गुटका लगभग लग गया। और फिर जो है कैप जो है इसकी नल के ऊपर की कैप, उसको हम लगा रहे हैं, और ये हमारा ये लग गया। हो गया ठीक, आगे तो नहीं जा रहा ये? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, तो बहुत आसानी से इन्होंने ये ठीक कर दिया। जस्ट इसका एक गुटका ही बदलना था। अब जो है हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो इसका कैप के ऊपर का जो ये कवर है इसको हम टाइट करेंगे। ये टाइट करना स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने, तो ये हमारा फिट हो गया। अब जो है इसके ऊपर एक कवर लगाते हैं, तो ये हम कवर लगा देंगे, जस्ट प्रेस करना है आपने। तो ये वीडियो यही खत्म हो गई, धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है, तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टेबलेट पर आएंगे।